Today we learn tools vocabulary in English and Hindi with pictures. So let's start. Pinch. Pinch को हम English में कहते हैं. Screw. Screw. Kill. Kill को हम English में कहते हैं. Nail. Nail. Pitchcus. उसे हम English में कहते हैं. Screwdriver. Screwdriver. चूसा, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉडल. ब्रॉडल. पाना, पाना को हम इंग्लिश में कहते हैं रेंच. रेंच. हाथारी, हाथारी को हम इंग्लिश में कहते हैं हैंडसॉ. हैंडसॉ. लोहा काटने की आरी, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं हैक्सॉ. हैक्सॉ. लकड़ी का हथौड़ा, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैलेट. मैलेट. हथौड़ा, हथौड़ा को हम इंग्लिश में कहते हैं हैमर. हैमर. छेनी, छेनी को हम इंग्लिश में कहते हैं चिजल. चिजल. औजार बॉक्स, उसे इंग्लिश में कहते हैं टूल बॉक्स. टूल बॉक्स. नापने की फीता, उसे इंग्लिश में कहते हैं टेप मेजर. टेप मेजर. प्लस, उसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेयर. प्लेयर. नुकली प्लस, उसे इंग्लिश में कहते हैं नीडल नोज प्लेयर. रेती, रेती को हम इंग्लिश में कहते हैं फाइल. फाइल. रेगमाल, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं सैंड पेपर. सैंड पेपर. कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्स. एक्स. खुरचनी, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्रेपर. स्क्रेपर. बर्मा, बर्मा को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रिल. ड्रिल. पांचा, पांचा को हम इंग्लिश में कहते हैं रेक. रेक. बसुला, बसुला को हम इंग्लिश में कहते हैं एड्स. एड्स. प्रकार, प्रकार को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पास. कॉम्पास. साहुल, साहुल को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लम्ब लाइन. प्लम्ब लाइन. निहाई, निहाई को हम इंग्लिश में कहते हैं एनविल. एनविल. कैंची, कैंची को हम इंग्लिश में कहते हैं सीजर. सीजर. तार, तार को हम इंग्लिश में कहते हैं वायर. वायर. सुआ, सुआ को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑल. ऑल. सिकंजा, सिकंजा को हम इंग्लिश में कहते हैं वाइज. वाइज. मुंडेरारी, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉपिंग सॉ. कॉपिंग सॉ. गोंद, गोंद को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लू. ग्लू. गोंद बंदूक, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लू गन. ग्लू गन. चक्की, चक्की को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्राइंडर. ग्राइंडर. सीढ़ी, सीढ़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेपलेडर. स्टेपलेडर. हाथ का काटा, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं हैंड फॉक. हैंड फॉक. रस्सी, रस्सी को हम इंग्लिश में कहते हैं रोप. रोप. खुलने और बंद वाला चाकू, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉकेट नाइफ. पॉकेट नाइफ.
नापने वाला, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पिनर। स्पिनर पकड़ सरोता, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं वाइज ग्रिप्स। वाइज ग्रिप्स रंदा, रंदा को हम इंग्लिश में कहते हैं वुड प्लैन। वुड प्लैन पाइप को कसने वाला उपकरण, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं पाइप रेंच। पाइप रेंच। ये वीडियो आपको लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। वॉच मोर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सब्सक्राइब नाउ।